दोस्तों, आज हम दो कहानियां बताने वाले हैं। दोनों कहानियां पूरी तरह से आपके जीवन को प्रकाशमान बना सकती हैं। आपको बस इन दोनों कहानियों को पूरी तरह से ध्यान लगाकर सुनना है। जो नहीं जानता है उसी की संभावना होती है कि वो सब कुछ जान सके, मगर जो पहले से ही सब कुछ जानता है वो और क्या जानेगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध बिल्कुल एक अनजान की तरह प्रश्न पूछते थे, जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। वो स्वयं को हर चीज से अनजान मानते थे, इसलिए उन्होंने हर चीज को जाना। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे जो अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे। एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य बहुत मूर्ख था, या आप कह सकते हैं कि वो एकदम साधारण था, जो एक समय में एक ही काम करता था। गुरु का मानना था कि उस शिष्य का कोई उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन वो गुरु का शिष्य था, इसलिए वो शिष्य का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। लेकिन गुरु और उनके सभी शिष्य ये जानते थे कि वो एकदम नासमझ है। एक बार गुरु स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि वो शिष्य किसी और काम का तो है नहीं, क्यों ना उसे अपने साथ ही ले लें, क्योंकि वो शिष्य हर काम में गड़बड़ कर देता था, उल्टा करता था। गुरु भी उससे तंग हो चुके थे। वो शिष्य इतना साधारण था कि यदि उसे एक बार में दो काम करने के लिए दिए जाए तो वो एक भी ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए गुरु उस शिष्य को अपने साथ ले गए। जब वो दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं तो गुरु स्नान करने जाते हैं और जाते समय शिष्य को सारे अपने कपड़े दे देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम नीचे मत रखना, क्योंकि नीचे जमीन गीली है, कपड़े खराब हो जाएंगे और मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है। ध्यान रहे, कपड़े नीचे मत रखना वरना उसमें मिट्टी लग जाएगी। शिष्य गुरु से कहता है कि ठीक है, मैं इसे हाथ में ही पकड़कर रखूंगा। एक ही बात गुरु बार बार उससे कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हर काम को उल्टा करता है। ये कहकर वो नदी में स्नान करने चले जाते हैं। स्नान करके गुरु बाहर आ रहे होते हैं। शिष्य गुरु की तरफ देखता है, उसे लगता है कि गुरु ने उसे बुलाया है। वो उनके कपड़े नीचे जमीन पर रखकर उनके पास जाता है और कहता है, आपने मुझे बुलाया गुरुदेव? गुरु क्रोधित होकर कहते हैं कि मूर्ख, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने तुमसे कहा था कि उन कपड़ों को नीचे मत रखना, लेकिन फिर भी तुम उसे रखा। देखो अब उसमें मिट्टी लग गई है। गुरु जाते हैं और देखते हैं कि कपड़े गंदे हो गए हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं और शिष्य से कहते हैं, देखो तुमने सारे कपड़े गंदे कर दिए। और क्रोध में वही कपड़े वो पहन लेते हैं और शिष्य से कहते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन तुमने आज ये बात साबित भी कर दी। तो मूर्ख हो, तुम सिर्फ एक काम कर सकते कि अपनी मूर्खता को हर जगह दिखाओ। गुरु बहुत क्रोधित होते हैं। वो शिष्य वहीं खड़ा होकर चुपचाप उनकी बातें सुनता है और अगली आज्ञा का इंतजार करता है और कहता है कि गुरु मुझे अगला काम दीजिए, मैं उसे पूरा करूंगा। ये सुनकर
गुरु को और अधिक क्रोध आ जाता है। पास में एक बड़ी चट्टान होती है, वहां कुछ छोटे छोटे पत्थर गिरे होते हैं जो चौक की तरह काम करते हैं। वो उसे उठाकर लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इससे इस चट्टान पर बार बार राम लिखना, लिखे हुए पर भी बार बार राम लिखना है और उसी पत्थर को चलाकर लिखना है। ये कहकर गुरु वहां से चले जाते हैं। वो शिष्य उस पत्थर से अपना काम शुरू कर देता है। गुरु को दूसरी जगह जाना होता है, वो वहां से चले जाते हैं। शाम को वो जब आश्रम आते हैं तब वो सोचते हैं कि आज उन्होंने बहुत ज्यादा क्रोध कर दिया। वो अपने सभी शिष्यों को बुलाकर पूछते हैं कि वेमन्ना कहाँ है। उस शिष्य का नाम वेमन्ना होता है। सभी शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, वो तो सुबह से आपके साथ ही नदी किनारे गया था और तब से नहीं लौटा है। गुरु को याद आता है कि उन्होंने उसे वहीं पर काम दिया था कुछ करने को। गुरु दौड़कर उस नदी की तरफ जाते हैं और उस चट्टान के पास पहुंचते हैं। देखते हैं और वेमन्ना अभी भी उस चट्टान पर राम का नाम लिख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस चौक का पत्थर जो लिखने से घिस गया था, उसके साथ वेमन्ना के हाथ की दो उंगलियां और अंगूठा भी पूरी तरह घिस चुका था और खून से पत्थर लथपथ हो चुका था। ये देखकर गुरु उस शिष्य को अपने गले लगा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर समझ जाता है कि जो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, उसी की संभावना है कि वो सब कुछ जान सके, सीख सके, एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बन सके। क्योंकि एक बुद्धिमान को कोई क्या सिखा सकता है, क्या बता सकता है। वेमन्ना जो हर किसी के नजर में कुछ नहीं था सिवाय मूर्ख के, यहां तक कि उसके गुरु भी उसे नासमझ समझते थे, उस जैसा दृढ़ संकल्पी आज्ञाकारी शिष्य और कोई नहीं था। वहीं वेमन्ना आगे जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। बेशक आप में कितनी भी कमजोरियां क्यों ना हो, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी काबिलियत जरूर है जो सब पर भारी पड़ती है। इसलिए बिना खुद को कम आके निराश हुए बिना आगे बढ़ो। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रश्न पूछते थे, जिसके कारण वो हमेशा दुखी भी रहते थे, क्योंकि हर कोई उनके प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाता था, जिस कारण उनके बहुत से प्रश्न के उत्तर मिल ही नहीं पाते थे। सिद्धार्थ के पिता काफी चिंतित थे कि कहीं सिद्धार्थ को कोई दुख ना पहुंच जाए, इसलिए उनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए महल में ही गुरुकुल बना दिया था, ताकि महल के सभी बच्चे वहां पढ़ सकें और उन्हें महल से दूर भी न जाना पड़े। महाराज शुद्धोधन सभी गुरुओं को बताते हैं कि ऐसी कोई भी शिक्षा बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। सिद्धार्थ को सभी गुरुओं से मिलवाया जाता है, वो सभी गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। सिद्धार्थ का लगाव सबसे ज्यादा आचार्य कौंडिन्य से होता है, क्योंकि यही सिद्धार्थ के ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। सिद्धार्थ अपना ज्यादा से ज्यादा समय इन्हीं आचार्य के साथ बिताना पसंद करते थे। समय बीतता है, आचार्य सिद्धार्थ को ध्यान करने की विधि बताते हैं, सिद्धार्थ भी रोज ध्यान करते हैं और आचार्य के साथ बैठते हैं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मांगते हैं। समय बीतता है, कोई महाराज से कह देता है कि आचार्य ने सिद्धार्थ को ध्यान की विधि बताई जो उन्हें वैराग्य तक ले जा सकती है। आचार्य को महल में बुलाकर महाराज कहते हैं कि आपको मना किया गया था कि सिद्धार्थ को कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं देनी जो उन्हें वैराग्य तक ले जाए,
लेकिन आपने हमारी बात को काटा, इसलिए आपको आपके कार्यभार से हटाया जाता है। ये आप अपनी दक्षिणा लेकर चले जाएं। आचार्य कहते हैं कि मुझे माफ करें, लेकिन जो काम मैंने किया ही नहीं उसकी दक्षिणा मैं नहीं ले सकता। सिद्धार्थ की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, आपके कहने पर मैं ये कार्यभार छोड़कर जा जरूर सकता हूँ। और ये कहकर वो जाने लगते हैं। तभी महाराज कहते हैं कि आचार्य, यदि आपने ये दक्षिणा नहीं ली तो ये मेरा अपमान हो जाएगा। आचार्य दक्षिणा ले लेते हैं और लेकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाकर वो दक्षिणा की पोटली कुलगुरु को दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा करें कुलगुरु, लेकिन मेरे द्वारा सिद्धार्थ की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई, मैं ये दक्षिणा नहीं रख सकता। कुलगुरु कहते हैं, ये बात मैं जानता हूँ कि अभी सिद्धार्थ को आपने पूर्ण ज्ञान नहीं दिया है, परंतु फिर भी आप इस दक्षिणा को रख लें। लेकिन आचार्य ये स्वीकार नहीं करते और वन की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं। ये बात सिद्धार्थ को पता चलती है कि आचार्य गुरुकुल से जा रहे हैं, तो वो दौड़कर उनके पास जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, आप मत जाएं, मैं किससे अपनी पीड़ा बांटूंगा, किससे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मांगूंगा, कौन मेरी समस्या को दूर करेगा यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो। आचार्य भी सिद्धार्थ से बहुत प्रेम करते थे। वो सिद्धार्थ को उठाकर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि इस पेड़ पे कुछ दिनों से चिड़िया ने घोंसला बना रखा है जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उसने आज सुबह ही उसे ऊपर से धक्का दे दिया था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्यों गुरुदेव? उसके बच्चे नीचे गिरते वक्त पंख फड़फड़ा रहे थे और नीचे गिरते जा रहे थे, कुछ ही देर में वो उड़ने लगे और गिरने से बच गए और ऊंचे आकाश में उड़ गए। वही समय आ गया है कि मैं तुम्हें धक्का दूं ताकि तुम भी पंख फड़फड़ाकर ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ सको। सिद्धार्थ कहते हैं कि परंतु गुरुदेव, मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अकेला उड़ सकूं, कुछ कर सकूं। आचार्य कहते हैं, नहीं सिद्धार्थ, इस निर्भरता को तुम्हें छोड़ना होगा, तुम्हें बहुत आगे जाना। अगर मेरे भाग्य में होगा तो हम एक दिन फिर से जरूर मिलेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं गुरुदेव, आप मत जाइए, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि सिद्धार्थ, क्या तुम्हें वेद की सभी ऋचा याद है? सिद्धार्थ कहते हैं, जी गुरुदेव, मुझे याद है। गुरुदेव कहते हैं, फिर अपनी आंखें बंद कर और उन्हें बोलना शुरू कर। सिद्धार्थ आंखें बंद करके उसे बोलने लगते हैं। कुछ देर बाद जब सिद्धार्थ आंखें खोलते हैं तो उन्हें आचार्य कहीं दिखाई नहीं पड़ते। ये देख वो बहुत दुखी होते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, परंतु वो फिर उठकर खड़े होते हैं, आचार्य द्वारा कही बातों को याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अंत में हम सभी जानते हैं कि वो सत्य को प्राप्त करते हैं। वही गुरुदेव जो उनको छोड़कर गए थे, वही उनके गुरु भाई बनते हैं और फिर उनके शिष्य बनते हैं। अगर सिद्धार्थ उस समय पूरी तरह टूटकर हिम्मत हार जाते और सब कुछ छोड़ देते कि उनसे नहीं होगा, तो शायद वो संभावना घटित नहीं होती जो भविष्य में हो। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी घटना को खुद पर इतना हावी कर देते हैं कि वो हमें पूरी तरह से तोड़ देता है और हम सोचते हैं कि हम कुछ आगे कर नहीं सकते, आगे कुछ हो नहीं सकता, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम उठने का साहस करें तो संभावना हमारा इंतजार करती है। दोस्तों, आपने क्या सीखा है इन कहानियों से? कमेंट में दो शब्द लिखकर जरूर बताना।